जहां पर जिला डीएसटी और भोजासर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और 25,000 के इनामी को हार्डकोर अपराधी मांगीलाल नोखरा विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, इस दौरान चोट लगने से वो चोटिल भी हुआ है। उधर पुलिस उसे गिरफ्तार करके अस्पताल लेकर गई और पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ 27 मामले विचाराधीन हैं। उधर भोजासर पुलिस और डीएसटी प्रभारी देवाराम विश्नोई ने सूचना मिलते ही कार्रवाई की। राज्य सरकार के निर्देशों पर